कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया पर हुए पथराव व हमले को भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी गोपाल जांगिड़ को दिया। ज्ञापन में बताया कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया द्वारा राजस्थान सरकार के खिलाफ रीट पेपर लीक व महिलाओं व दलितों तथा बेरोजगार युवाओं के लिए बार बार आवाज उठाई जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कोटा से जयपुर जाते वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी को रोककर उनके ऊपर पथराव कर हमला किया गया, जो निंदनीय है। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सतीश पुनिया के नेतृत्व में भाजपा द्वारा दी जा रही चुनौतियों से चौतरफा घिरी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बौखलाहट दिखाते हुए जो कार्य किया है, यह सरकार की बदनीयति का परिचय देता है। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इसके खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाने की मांग करता है तथा कांग्रेस सरकार को तुरंत बर्खास्त करने की मांग के साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग करता है।